मैं अमूल्य निधि हूँ और मैं स्वास्थ्य के मुद्दे पे पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा नाम राजकुमार सिन्हा है और मैं नर्मदा पे बने बांधों में विस्थापन के खिलाफ आंदोलन और चुटका परमाणु परियोजना जो विस्थापन के खिलाफ है उसकी लड़ाई और पर्यावरण और जंगल आदिवासियों के अधिकार के काम करता हूँ। नर्मदा घाटी जो अमरकंटक से निकलकर खंभात खारी तक जाती है लगभग 1300 किलोमीटर, उन नदियों पे लगभग 30 बांध बनाए जा रहे हैं जिसमें कि लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ के जो मछुआरे हैं उनके रोजी रोटी खत्म हो रहे हैं और उसी बांध के क्षेत्र में चुटका परमाणु बिजली घर बन रही है जहाँ से आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है उनका विस्थापन हो रहा है। संसाधनों पे जो वहाँ के लोग हैं उनका अधिकार होना चाहिए, ना कि कॉरपोरेट की अधिकार होना चाहिए। जो मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज है सरकार उसको प्राइवेटाइज कर रही है और गरीब आदमी उन अस्पतालों में कहाँ जाएगा और वहाँ कोई कानून नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल के, तो कॉर्पोरेट के ऊपर हमारे जो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मूलभूत चीज थे वो बिक रहा है, तो उस बात को हम पहुँचाने के लिए यहाँ पे आए थे। द सिचुएशन ऑफ ट्राइबल हेल्थ इज द वेरी पीक, नोबडी इज लिस्टिंग टू ट्राइबल हेल्थ इशू लाइक सिकल सेल एनीमिया, सिलिकोसिस, सिलिका का, ये सिलिका का डस्ट होता है जो माइनिंग में लोग काम करते हैं और वो इनहेल करते हैं और लंग में चला जाता है। करीब 10,000 लोग हैं जो इससे अफेक्टेड है मध्य प्रदेश, सरकार की कोई नीति नहीं है। सिलिकोसिस विक्टिम्स वांट टू मीट यू एनी डे। राहुल सर आपको एक आस जगा रहा है। ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये देश की यात्रा, हम भारत जोड़ो यात्रा जो है ये देश को एक मैसेज दे रहा है कि भारत में जिस प्रकार की नफरत और घृणा फैलाया जा रहा है उसको रोका जाए। चलो, 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 चलो।